फर्जी कंपनियों के फर्जीवाड़े का मामला, मीडिया की खबर को फिर नजर आया बड़ा असर। फतेहाबाद में 8 फर्जी कंपनियों के खिलाफ सेल टैक्स विभाग ने पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने 8 फर्जी कंपनियों के खिलाफ किया धोखाधड़ी का मामला दर्ज। फर्जी कंपनियों द्वारा कागजों द्वारा की गई बड़े पैमाने पर फर्जी ट्रांजैक्शन, सरकार को लगाया है सैकड़ों करोड़ का चूना। मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से किया था प्रसारित। फतेहाबाद सेल्स टैक्स विभाग ने सबसे पहले पकड़ा था मामला। बड़े पैमाने पर हजारों रुपए की ट्रांजैक्शन दिखाकर और फर्जी बिल काटकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाली 8 फर्जी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया है। सेल्स टैक्स विभाग के आबकारी एवं कराधान उपायुक्त की शिकायत के बाद शहर थाने में मामला दर्ज किया गया है। ये हमारे पास 8 फर्मों के ऊपर मुकदमा फतेहाबाद जिले में कराया गया है। ये 8 फर्में जो है बोगस, फेक और सेल फर्म भी इनको कह सकते हैं। क्या इनके पर आरोप क्या थे जी? आरोप ये है जी, इन फर्मों ने या नॉन एग्जिस्टेंस और बिना ही कोई व्यापार किए हुए बिल काट दिए। इस तरह का प्रचलन आमतौर पर सेल कंपनियों में चलता है। जब हमने इनकी भौतिक रूप से निरीक्षण किया तो ये 8 फर्म अस्तित्व में नहीं पाई, जबकि इन्होंने पेपरों में जो है 114 करोड़ के बिल काट रखे हैं। फर्जी कंपनियों द्वारा किए जा रहे इस गोरख धंधे से संबंधित खबरों को चैनल पर प्रमुखता से दिखाया गया था। कराधान आयुक्त वी के शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त हरियाणा 44 से अधिक फर्जी कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिनमें कुछ ही पहचान हो चुकी है और उनके विरुद्ध आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाने के उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद कराधान कार्यालय ने 12 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिन्होंने मात्र 2 माह 1200 करोड़ से अधिक का फर्जी लोन देने संबंधी बिल काटे और करीब सैकड़ों रुपए के GST की चोरी कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद की ऐसी ही 8 कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी गई है। अभी हरियाणा राज्य में जो है 44-46 फर्मों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कराने के ECS महोदय ने जो है आदेश दिए हैं, और हमारे पास जो हमने जो परचेज इनकी वेरीफाई की थी वो मेनली जो प्रिया इंडस्ट्री, प्रीति इंडस्ट्री और जो है आपकी पूनम इंडस्ट्री, ये मेन फर्म थी जिन्होंने 1170 करोड़ के जो है ना बिल काट रखे थे। तो ये किस तरह से करते थे घोटाला? ये घोटाला जो सेल फर्में होती हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, बिजनेस का बढ़ावा देने के लिए इधर उधर अपने ट्रांजेक्शन करती हैं और न उनका कोई माल जाता है न ही माल आता है, केवल मात्र पेपर ट्रांजेक्शन होती है और उसी को जो है वो घुमाते रहते हैं। और जो अब जांच में ये आया है कि इन्होंने कुछ तो जो है ना झाड़ू पोछा करने वाली औरतों के नाम पे नंबर ले रखे, उनके डॉक्यूमेंट जो है ना फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, फर्जी और फर्जरी डॉक्यूमेंट का सारा लेकर के इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और इसका जो मास्टरमाइंड पाया गया है वो सिरसा का एक आदमी पाया गया है। सिरसा चूंकि पहले भी बदनाम रहा है और वैट घोटाले में भी इन्होंने काफी फरार किया है और 400-500 करोड़ रुपए का वैट घोटाला मैंने सिरसा में ही पकड़ा था। फतेहाबाद से जसपाल सिंह। एक बार फिर बजी जींद में चुनाव की रणभेरी। एक बार फिर मैदान में उतरेंगे सियासी योद्धा। कौन लड़ेगा विकास के मुद्दे पर? कौन खोलेगा सत्ताधारियों की पोल? क्या भाजपा जीत पाएगी ये सेमीफाइनल? या फिर विरोधी बजा देंगे ढोल? जींद विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखिए जींद की जंग, केवल सत्य खबर पर। आज ही लॉगिन करें www.satyakhabar.in पर। सब्सक्राइब करें YouTube/satyakhabar। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।